सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाना पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत कैंट थाने पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 5 मामले आए, जिनमें 4 मामले जमीन व रास्ते के विवाद से संबंधित आए, 1 मामला धमकी देने से संबंधित आया, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके अलावा बाकी 4 मामलों में राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की टीम बनाकर निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, पुलिस चौपाल काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि लोग राजपत्रित अधिकारी के सामने जाकर अपनी समस्या रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, तो इन्होंने जो है हमारे प्लाट को दूसरे को कब्जा करा दिया और जगह आगे पैसा ले रहे हैं। अब हमें प्लाट दे रहे हैं, हमारा जमीन दे रहे हैं, 25 लाख में जो है करंट जो है 20 लाख का जो प्लाट है और 22,000 रुपये 2 लाख जो है उसका नाम है 20 लाख रुपये हो गया। ये हमारे प्लाट में जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ये पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं थाना कैंट पर आया हुआ हूँ। इसमें अभी तक 5 प्रकरण आए हैं, जिसमें 4 प्रकरण जमीन और रास्ते के विवाद से संबंधित हैं, 1 प्रकरण धमकी देने से संबंधित है, जिसका तत्काल निस्तारण किया गया, उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। अन्य मामलों में राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर निस्तारण कराया जाएगा। सर, कितना सफल हो रहा है चौपाल? पुलिस चौपाल जो है काफ़ी सफल है, चूँकि कोई ना कोई अधिकारी प्रत्येक थाने पर जा रहा है। उसी क्रम में मैं थाना कैंट पर आया हूँ, यहाँ सीधे जनता से रूबरू होने का मौका मिलता है, अधिकारी गंभीरता से बात सुन रहे हैं और पब्लिक संतुष्ट भी हो रही है।